वो तो नहीं है मेरी बाबा। दस 5 ईयर वाइज करेंगे हम फिर से, ठीक है, ताकि ओके सर। आपका ये क्लियर हो जाए। चलो मुमताज 5 ईयर पे आ जाए, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? ओके सर। यस सर आ गया। ओके ठीक है, पढ़ा जाता 5 ईयर 5 ईयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। x+8, ये जो इसका पार्ट है, x+8 इज इक्वल 15। कोई आइडिया क्या करेंगे इसमें? हम 8 को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, ठीक है, 15, और वहां पे जाके वो माइनस हो जाएगा। सो माइनस 15 माइनस हो 8 जाएगा 7। सो हमारा आंसर होगा 7। इजी था? सेवन। बी पार्ट आप करवाएंगे मेरे, x+9। जी ओके सर। माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 जी -9 -9, ठीक हो गया। सो एक्स विल बी नेगेटिव नेगेटिव -4, 14 दैट विल बी आर आंसर। क्लियर? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास कौन सा आ रहा है? एक्स माइनस सी है, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 17। 17, गुड हो गया। अब सॉल्यूशन में हम एक बार फिर से लिखेंगे x-5 इज इक्वल 17, देन सॉल्व में हम 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल 17, 5 प्लस होगा इधर आके माइनस होगा, प्लस प्लस होगा। सो क्या आंसर होगा हमारे पास? 22। प्यारा बच्चा, वीडियो नहीं आ रही है आपकी, कॉपी खोली होता है तूने? क्या वीडियो नहीं आ रही? हाँ, ऐसे सामने नजर आना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब मैं फास्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। डी है, x-7 इज इक्वल -3, ठीक है। सो एक्स विल बी -3 + 7, क्या होगा मुमताज? ये
माइनस थ्री प्लस सेवन प्लस सेवन गौर कर वाई देख हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमारे पास प्लस सेवन है और माइनस वन टू थ्री एक इसके साथ कटा कटिंग देन विल गेट फोर माइनस प्लस फोर प्लस फोर दैट विल बी आर आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मुमताज रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ये इसको ऐड भी करूंगा मैं ठीक है 0.4 1.6 तो 1.6 माइनस 0.4 अब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम डेसिमल में 1.6 थोड़ा खुला करके लिखें तो 0.4 एंड 0 सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 4 6 माइनस 4 विल बी 2 2.1 1.21 देख ले इनमें कोई क्वेश्चन करना हो आपने नो सर जी वाला करवा दें जी वाला ही करेंगे और पहले मैंने मेरा बेटा किया तो है ऊपर डी वाला ही है ओके सर ओके फिर से करवा दूं एक बार यार सर एक दफा फिर करवा दो यार फिर से कर लेते हैं तो कोई बात इसको मैं क्लियर कर लूं जरा ओके सर नया बॉक्स है ना विच क्वेश्चन डी वाला चलो डी वाला कर रहा हूं मैं आपके लिए फिर से एक बार ठीक है डी है एक्स माइनस सेवन इज इक्वल माइनस थ्री सो हम सेवन को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस थ्री प्लस सेवन हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं सेवन माइनस थ्री विल बी फोर और बड़े का साइन लगाएंगे नेक्स्ट वी हैव एफ पार्ट वाई माइनस टू पॉइंट फोर इज इक्वल थ्री पॉइंट सिक्स वाई इज इक्वल थ्री पॉइंट सिक्स प्लस टू पॉइंट फोर यहां पर रफ कर लेते हैं थ्री पॉइंट सिक्स प्लस 2.4 6 plus 4 0 10 1 carry and 3 into 5 6 6.0 will be 6 clear okay sir no sir chale iska next g part माइनस 2.7 a सॉरी प्लस a इज इक्वल टू सो अभी हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे ठीक है यस अब ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है 6.4 2.7 फोर में से सेवन माइनस नहीं होंगे सो विल टेक वन फ्रॉम सिक्स इट विल मे इट 14 माइनस सेवन विल बी सेवन एंड फाइव माइनस टू विल बी थ्री सो ये तुम्हारा आ गया आंसर अभी हमने डिसाइड करना साइन क्या लगेगा ये छोटे का साइन और ये बढ़ेगा हमेशा ऑलवेज साइन ऑफ ग्रेटर ठीक है सो ए विल बी माइनस 3.5 इस पे कोई क्वेश्चन मेरे बेटे का नो सर अभी इस क्वेश्चन वन में हमने ये चीज सीखी जो चीज इस तरफ प्लस है सपोज एक्स प्लस एट इज इक्वल 15 सॉल्व क्वेश्चन था सॉल्व
सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना. सो हमारा ये होता है कि हम एक्स को एक तरफ कर लें और नंबर्स को एक तरफ. सो ये प्लस था उधर जाएगा, माइनस होगा अगर इधर माइनस होता उधर जाता प्लस होता, लेकिन लिखा लास्ट पे जाएगा ये हमेशा. इसी तरह आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्वेश्चन टू में. हम क्वेश्चन टू पे आ जाते हैं. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए, जो के है 4x इज इक्वल माइनस 28. अब 4x इनमें कोई साइन नहीं है ना, प्लस माइनस डिवाइड, इट मींस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चार ही ऑपरेशंस होते हैं. सो 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा माइनस 28 ओवर 4. कटिंग करेंगे, 4 वन दर 4, 7 दर 28. चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट. माइनस 24 बोले एक्स इज इक्वल टू माइनस 144. चले शिफ्ट करते हैं माइनस 144 ओवर माइनस 20. ये तो गया कट. अब इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है. अब टू के टेबल से कटेंगे ये, टू वन जर टू वन टू जर टू सेवन जर 47. अगेन विद टेबल ऑफ टू, टू सिक्स जर यस एंड टू 36 टाइम्स 36. अभी भी ये हो जाता है मेरे ख्याल से. यस सर, थ्री का टेबल सर. टू थ्री जर और टू 18 जर. सो हमारे पास एक्स आ रहा है, सिक्स आ रहा है, सिक्स आ रहा है ना. तो लगता तो यही है, आगे पता नहीं. अब पीछे से देखते हैं बुक का, यही होगा, यही होगा ना. सॉरी 24 था. हाँ यही है. चलो फिर हम क्यों परेशान हो गए. चलो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x, इट्स सी पार्ट. 3x माइनस 4 इज इक्वल 11. सो सबसे पहले प्लस माइनस वाले को शिफ्ट किया जाता है. वन प्लस 4 5. सो 3 इधर मल्टीप्लाई होता जाएगा, डिवाइड होगा, दैट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट पार्ट मुमताज. नेक्स्ट मेरा डी पार्ट सर. 9 मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस 4 इज इक्वल 31. 9x इज इक्वल 31 माइनस 4. 31 माइनस 4 कितना हुआ, दे दो दिमाग. 27. 9 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा, डिवाइड होगा. 9 वन जार 9 थ्री जार. सो हमारा आंसर 3 होगा, x इज इक्वल 3. क्लियर? यस. चल मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. ई पार्ट 12 माइनस 7. ई पार्ट 12 माइनस 7 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5. चले अब 12 इधर, सबसे पहले 12 इधर प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस. सो माइनस 7x इज इक्वल माइनस 7. माइनस दोनों तरफ के नेगेटिव कट जाते हैं. यस x इज इक्वल 7 ओवर 1. देखती जाए साथ साथ देखती जाए. वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, मेरा ख्याल रिकॉर्ड हो रही है ये. आज
नहीं कोई भी नहीं है, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो गया मुमताज? यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी पार्ट 3 - 7/5 एफ पार्ट सॉरी। जी मुमताज 3 - 7/5 जी इक्वल टू -18। -18 मतलब अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन पूरा कर लिया, इसका हमने ये पार्ट किया है, ये किया, हम ये पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका देखेंगे प्लस, इसको शिफ्ट करेंगे। यस ठीक है, उस तरफ जाएगा माइनस होगा, माइनस 18 एंड माइनस 3 विल बी -21। इक्वालिटी में दोनों तरफ के माइनस कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल होगा एंड y इज इक्वल 21 ओवर 7 काट के 7 1 7 3 4। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4/5 जी पार्ट। यस सर। 4y - 1.3 = 6.3 एक मिनट रुकता। चले 4y सबसे पहले 6.3 इसको शिफ्ट करेंगे इस तरफ, अब प्लस करते हैं 3.6। इनको ऐड करना याद है आपको, कैसे याद करते थे हम डेसिमल्स को? ऐड जी, सब्ट्रैक्ट और ऐड कैसे करते हैं डेसिमल को? कोई आइडिया? पढ़ा होगा मैंने, पढ़ा 6.3 6.3 1.9। सबसे पहले याद रखें, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करेंगे, ठीक है, ऊपर वाला नंबर जैसे मर्जी लिखें, अब पॉइंट के उस तरफ वाला डिजिट और इस तरफ, ताकि एक दूसरे की रेंज में ठीक हो। 9 10 11 12 8.2 आ गया हमारे पास। यस। फोर वाई इज इक्वल 8.2। सो 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 4 2s are 8 2 4 0s are 0 4 पॉइंट लगा सकते हैं हम इधर। यस 2.05 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्या है? 8 पार्ट -7.2 इसका। यस सर, 8 पार्ट जी।
फास्टली करता हूं मैं थोड़ा, 3y माइनस 9.6 इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे इट विल बी 7.8 माइनस 3y, अभी हमें माइनस करना पड़ेगा 9.6 में से, कैरी देंगे 8 1.8 माइनस 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 कैंसिल हो गए दोनों तरफ के, यस 3y इज इक्वल 1.8 और y इज इक्वल 1.8 ओवर 3, क्योंकि ये 18 है तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं 36 टाइम 18 होगा तो ये होगा 0.6 आंसर अगर मैं इसको डिवाइड करूं। ओके सर, 3 0s are 0, हमारे पास ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट मुमताज। ओके सर, आई पार्ट 7y माइनस 2 होल 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गया 7y, पहले इसको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, 4 2s are 8 plus 3 4 2s are 8 8 and 3 11 11 over 4। अब इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पर, अनलाइक फ्रैक्शंस है हम इनको प्लस नहीं कर सकते, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और उधर भी 2 से, उधर भी, क्योंकि ये एलसीएम इसका 4 होगा, सो इट विल बिकम 13 ओवर 4। अब 7 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, सो 7 मल्टीप्लाई होगा नीचे जा, इट विल बिकम 13 ओवर 28। सो 13 ओवर 28 को अगर हम चेंज करें उसमें तो प्रॉपर फ्रैक्शन है वैसे, ये हमारे पास चेंज नहीं करना पड़ेगा, चेक कर लेना वैसे इसका आंसर, अजीब लग रहा मुझे। ओके सर, हाँ अभी तो पढ़ा रहे हैं। यू ऑफिस इसके सारे पार्ट हो गए तास? नहीं बल्कि जे पार्ट रह गए। यस सर, जे पार्ट लग। यस सर, ये है इसका आंसर। चले अब पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करता हूँ, 2 1s are 2 और फिर ये ऐड करेंगे। अब इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे, अगेन ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं इनको हम प्लस नहीं कर सकते, सो मैं यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं नीचे भी और 2 से ऊपर भी, ताकि ये भी 4, ये 4 है ये भी 4 बने, 1 ओवर 4 माइनस 6 ओवर, सो इट विल बिकम -5 ओवर 4। सो दोनों तरफ के माइनस कट जाएंगे, अब 2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होएगा, 5 ओवर 4 इंटू 2 इट विल बिकम 5 ओवर 8 और उम्मीद है यही आंसर होगा हमारा। ठीक हो गया? यस सर। ठीक हो गया मुमताज? यस सर। अच्छा जी, इस तरह हमारा ये 5A के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। अब
यस सर। अभी हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन थ्री स्टार्ट करें के चैप्टर वन रिवाइज साथी करना। चैप्टर वन भी आपको प्रॉब्लम कर रहा था, तो चैप्टर वन कर लेते हैं। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इसको इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ यहाँ।